भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है पुनहाना में और पुनहाना के भारत पेट्रोलियम है। यहां पर हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद से किस तरीके की स्थिति ग्रामीणों की रही है और यहाँ की जनता की रही है, क्योंकि लगातार भाजपा सरकार ये दावा करती आई है कि 2022 होते होते जो मजदूर वर्ग है उनका विकास हम लोग कर देंगे, यानी कि पूरी तरीके से उनको विकसित बनाने की पुरजोर कोशिशें की जाएगी। लेकिन जनाब एक नज़र यहाँ डालिए कि अगर किसानों को जो डीजल है वो दुगने रेट में मिलेगा या फिर लगातार जिस तरीके से डीजल बढ़ रहा है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उनका विकास कर रहे हैं और हम उनको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं हम लोग अगर हल्के पुनहाने की बातें करें, और वहीं पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं कहूंगा कि एक बार कैमरामैन से, ये डीजल के दाम है जो 73.2 पैसे, इसके अलावा ये यानी कि पेट्रोल के दाम है 78.92। इससे पहले के जो दाम है हम डीजल की बात करें तो वो थे शायद यानी कि 60 रुपये कुछ पैसे करके, यानी कि जब हम लोगों ने यहाँ पर जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि 9 रुपये 65 पैसे के दाम डीजल पर बढ़ाए गए हैं, तो वहीं 7 रुपये कुछ पैसे करके पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो फिर किस तरीके से लोग इन मोटरों पर यहाँ पर इस पर सवारी करेंगे और कैसे इन लोग जो लोग हैं यहाँ के वो कैसे बाइक गाड़ी, इसके अलावा जो यानी कि यहाँ पे हम बात इंजनों की बातें करें, ट्यूबवेल की हम बात करें, तो उनको जो चलाते हैं खेतों की सिंचाई के लिए जो किसान डीजल का इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से सिंचाई करेंगे। अच्छा ये बताएं आप लोगों को पता है कि मतलब कितने रुपए बढ़े हैं, कुछ पता है आप लोगों को? डीजल के पेट्रोल 71 रुपये 40 पैसे था पहले, 71 रुपये 40 पैसे पेट्रोल के दाम, और डीजल के 62 के करीब था, 62 के आसपास था। तो मतलब कि 7-8 रुपये जिस तरीके से डीजल पे बढ़े हैं, पेट्रोल पे बढ़े हैं, कितने मतलब कि यहाँ पे फर्क पड़ा है कि लोगों का कम आना या ज्यादा भरवाना? फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा ये बताइए कि लोग आते होंगे अलग अलग तरीके की बातें करते होंगे, अरे यार डीजल इतना बढ़ा दिया, पहले बहुत सस्ता था, सारे हमसे हम लोग सिंचाई करेंगे, सारे हमसे कहते हैं तुम बढ़ा रहे हो, सरकार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है उनका, क्या करना क्या नहीं करना, आपको ब्लेम कर देते हैं कि पेट्रोल पंप वाले बढ़ा दे रहे हैं, आप बढ़ाते हो जो कुछ करते हैं। लगता है कि दाम बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए, क्या स्थिति रहेगी? घटने चाहिए, साफ सी बात, बिल्कुल सब पर असर पड़ता है इसका। अच्छा ये तो मजदूर लोग हैं उन पर ज्यादा असर पड़ता है, उन पर तो ज्यादा है ही, किसान लोगों पर ज्यादा है। हाँ। क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन। देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे जो यानी कि फ्यूलिंग कर रहे हैं साकिर हुसैन से बातें की तो उन्होंने साफ साफ ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं मजदूर किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा लगातार मेवात में प्रोटेस्ट हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी नेता रहे हैं उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग के लोग हैं उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उनको देख करके सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या वास्तव में इसी तरीके से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो आसमान को छूते रहेंगे या फिर इनके दाम कम होंगे, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी पुनहाना।